हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के रेसिपी में बनाने वाली हूँ दोस्तों पनीर के पकौड़े। तो यही दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं दो प्रकार के पकौड़े बनाने वाली हूँ। ये मैंने बर्तन में बेसन निकाल ली हूँ। ये पनीर है, ये मसाला है सारा, इसमें अजवाइन है, और ये चना दाल मैंने 2 घंटा पहले भिगो छोड़ दिया था, अच्छे तरह से फूल गया ये। बेसन में मैं अजवाइन डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर। अब इसको हम मिला लेते हैं। पेस्ट को ज्यादा पतला नहीं रखना है। मिक्सर जार में मैंने चने का दाल धो के रख लिया है। 4 ये अदरक लिए छोटा पीस, 8 लहसुन का कलियां है। अब इसको हम बंद करके मिक्सर जार में पीस लेते हैं। इसमें हल्का पानी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको पीस लेते हैं। दोस्तों मैंने इसको चने दाल जो ली थी मिक्सर जार में, लहसुन और अदरक, इसको मैंने पीस के तैयार कर लिया है। साथ में मैं 4 प्याज ली थी दोस्तों छोटे छोटे, इसको काट रही हूँ। भारी मिर्ची काट रही है दोस्तों। गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है दोस्तों। इसमें थोड़ा हरा धनिया भी काट के डाल रही हूँ दोस्तों, और इसमें भी थोड़ा डाल रही हूँ, ये बेसन का जो सान के तैयार की थी। अब इसमें मसाला डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, हल्का गरम मसाला भी दे देती हूँ, अजवाइन, अब इसको मिला लेते हैं। हमने इसमें सारा कुछ डाल दिया है, मसाला वगैरह जो भी डालना होता है। ये चना दाल का पेस्ट है, इसमें मैंने प्याज डाले, हरी मिर्च डाले हैं, हल्दी पाउडर, नमक, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, अब इसको, और हरा धनिया भी डाला दोस्तों। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है दोस्तों। अब इसके अंदर हम रिफाइंड का तेल डाल रहे हैं। तेल डाल दिया दोस्तों, तेल गर्म हो गया है दोस्तों। अब इसके अंदर हमें ये चने दाल वाला पेस्ट डालना है। मैंने डाल दिया दोस्तों, देखिए। अब इसको थोड़ा धीमे आंच में इसको अच्छे से अंदर तक पका लेना हमें, फिर पलटूंगी मैं। हम तब तक ये पनीर का पीसेस काट लेते हैं। बड़ा बड़ा पीसेस में काटना है। मैं बड़ा पीसेस में काट रही हूँ दोस्तों, आप चाहे तो अपने तरीके से छोटा बड़ा काट सकते हैं। इसी तरह सभी को काट लूंगी। अब इसको हम पलट लेते हैं दोस्तों। एक साइड से पक गया है अच्छे से, मैं चम्मच के माध्यम से इसको पलट रही हूँ दोस्तों। देखिए, सभी को इस तरह से हम पलट लेंगे, तो दूसरे साइड से हम पका लेंगे इसको अच्छे से। पलट दिया है मैंने सभी को अच्छे से, तो इसको पकने देते हैं। पनीर को मैंने बड़े पीसेस में काट लिए हैं दोस्तों, ये देखिए। तब तक इधर हमारा ये चने दाल वाला पकौड़ा बन रहा है दोस्तों। मैं चटनी बना रही हूँ। ये 3 हरी मिर्च लिया, कुछ लहसुन का कलियां है, ये इतना अदरक डाल रही हूँ दोस्तों, ये हरा धनिया,
और ये दो टमाटर लिए दोस्तों, इसको भी चार भाग में काट के डाल लेती हूँ इसी में। अब इसमें नमक डालूंगी दोस्तों, स्वाद अनुसार नमक दोस्तों। अब इसको हम पीस लेते हैं, ये अच्छे से पक गया दोस्तों, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा करारी पक गया है हमारा। अब हम दूसरा डाल रहे हैं दोस्तों आनी पेस्ट जो बचा था, वो एक बार तो निकाल लिया बना के, हम दूसरे बार डाल रहे हैं। चटनी को पीस के देखिए दोस्तों कटोरों में हमने निकाल लिया है। चना दाल वाला पकौड़ा हमारा बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब हम पनीर वाला बना लेते हैं। ये पनीर वाला बना रहे हैं दोस्तों। एक साइड से पक गया है, मैं इसको दूसरे साइड से पलट रही हूँ। पक गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये पनीर का पकौड़ा, ये चने दाल का पकौड़ा और ये चटनी बनके हमारा तैयार हो गया दोस्तों। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।